बेटमा में कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शहीद हुए 60 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को 55 दिन हो चुके हैं। शहर के अम्बेडकर चौराहे पर शुक्रवार शाम को युवक कांग्रेस ने श्रद्धांजलि सभा की और मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी। सभा को युवक कांग्रेस के इंदौर जिला अध्यक्ष दौलत पटेल, प्रदेश महासचिव दुर्गेश पटेल और लोकेंद्र सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन NSUI के विधानसभा महासचिव हिमांशु शर्मा ने किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मस नहीं होंगे, आपको मानना हो तो मान लो, ये क्या है, तानाशाही वाला आतंक पैदा कर दिया इस इंडिया के अंदर। अभी आज से सन 47 के पहले बड़ी मुश्किल से अपन आजाद हुए, इसके बाद 47 के बाद लग रहा है कि अपन इस 2021 के अंदर वापस गुलाम बनने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।